आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीमेट का 1 month प्लान। पहली बात तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोगों का अभी तक कोई एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे पिंग करके बोला है कि सर सीमेट इज़ द लास्ट होप फॉर मी और मुझे इस साल एमबीए करनी। कभी कभी दिल करता है कैट 21 दे दूँ, कभी कभी दिल करता है इस बार बस खत्म करना है। भाई जिनको तो खत्म करना है या यू वॉन्ट गिव इट बेस्ट शॉट, अभी भी बहुत सारे अमेजिंग कॉलेजेस बाकी हैं। इनफैक्ट आई शो यू द लिस्ट ऑफ टॉप 5 कॉलेजेस, उनमें से कहीं पर लग गया जिनका एवरेज पैकेज 8-9 लाख रुपये है। एक फ्रेशर बच्चा बिना सोचे समझे जा सकता है जिसके पास नौकरी नहीं है, पर भाई उसके पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा फॉर श्योर। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीमेट एक ऐसा एग्जाम है, अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे भाई ये कर लो और नेगेटिव मार्किंग से बच के रहो तो लाइफ इज गॉन बी वेरी इजी। तो आई एम गोइंग क्विकली शो यू दिस प्लान ऑफ एक्शन, फुल कंसंट्रेशन से जुड़े रहना। पर बिफोर दैट लेट मी शो यू वन मैसेज। हेलो सर, आई गॉट इनटू जमनालाल बजाज। वाह मेरे शेर, सुपर डुपर कांग्रेट्स, वेल डिजर्व्ड, एंड आई रियली वांट टू थैंक यू सर। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, सुपर न्यूज मैन, यू आर ऑलवेज मेंट टू डू बिगर थिंग्स। ये अमेजिंग बंदा है, सीमेट सीटी टॉपर है। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। यार ऐसा जब मैसेज आता है, मैं फ्लाइट बोर्ड कर रहा था, आई थिंक आई वॉज कमिंग फ्रॉम मॉल्डीज दैट टाइम, आई वॉज इन अ फ्लाइट, याद नहीं आ रहा मुझे, बट आई थिंक आई वॉज कमिंग फ्रॉम बॉम्बे शायद। बट या दिस गाय मेड इट, येस सर। फिर मैंने बात करता है कॉलेज स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया, अब इंटर्नशिप चल रही है, अभी इंटर्नशिप भी लग जाएगी। बॉयज़ एंड गर्ल्स, इतनी मेहनत करो कि ऐसा एक मैसेज मेरे को ड्रॉप कर पाओ, सो दैट योर मैसेज आई कैन शो टू द पीपल ऑफ द नेक्स्ट वर्ल्ड। ये देखो लॉन्डे, राइट, जिंदगी में लोगों को इंस्पायर करो यार। हाँ, जिंदगी में लोगों को इंस्पायर करो, पर इंस्पिरेशन बनने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। फोन साइड पे रख दो, पेन और पेंसिल लेके बैठ जाओ, एंड आई एम गोइंग टॉक अबाउट हाउ टू क्रैक दिस ब्यूटीफुल एग्जाम कॉल्ड सीमेट इन 1 month। लेट्स स्टार्ट। क्या क्या बताने वाला हूँ, पहली बात कौन से कॉलेजेस बाकी हैं, कैसे आप लोगों को पढ़ना है, 3 घंटे के फॉर्मेट में पढ़ना है, ये फोकस ऑन 80% एक्यूरेसी क्या है, ये नेगेटिव मार्किंग की गेम क्या है, उसको कैसे बीट करना है, वर्बल में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या चीज़ें पढ़नी है, कॉन में कौन सा टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग के कौन से टॉपिक हैं, उसके बारे में अपन ध्यान से बात करेंगे, और ये नेगेटिव मार्किंग को कैसे बीट करना है। एंड इफ यू गाइज आर रियली रियली कीन ऑन क्रैकिंग दिस ब्यूटीफुल एग्जाम, वी हैव लॉन्च्ड अ सीमैट कोर्स, लास्ट 1 month बैच टूवर्ड सीमैट। अगर दिन में 2 घंटे पढ़ सकते हो तो एक एक टॉपिक बताएंगे और शॉर्टकट बताएंगे। सीमैट इज अ स्पीड बेस्ड एग्जामिनेशन, दो बहुत सारे घंटे हमारे पास अवेलेबल है, बट स्पीड बेस्ड एग्जाम है यार, ठीक है। और ये वाला शेड्यूल का तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको भी तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। बिफोर दैट लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। अच्छा, लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। लेट्स स्टार्ट बॉयज एंड गर्ल्स। नंबर 1, कौन से कॉलेजेस बाकी हैं, बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं, कई लोगों के फॉर्म जा चुके हैं, लाइक फॉर एग्जांपल JBMS हर साल सीमैट लेता है, इस साल लेगा नहीं लेगा पता नहीं, सिर्फ एक साल हुआ है जब JB ने सीमैट नहीं लिया। ये आपके लिए काफ़ी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, अगर आपको जमनाल बजाज मिल जाए तो भैया पार्टी ऑन हो जाएगी। उसके बाद सिडनम, फिर KJ सुमाया के फॉर्म्स ऑलरेडी आके जा चुके हैं, वेलिंकर बिजनेस स्कूल फॉर्म्स बाकी हैं, दालमिया बिजनेस स्कूल बॉम्बे बेस्ड बिजनेस स्कूल है, फॉर्म बाकी हैं। इसके अलावा और भी बड़े कॉलेजेस हैं, पर यहाँ पे आप 8-10 लाख के ऊपर ही कमाओगे फॉर श्योर। JB हो गया तो भैया 20 लाख का पैकेज करेगा। मैं चेक कर रहा, KJ की प्लेसमेंट इज अप्रॉक्सिमेटली 9 लाख, वेलिंकर की प्लेसमेंट इज अराउंड 8.99 लाख, दालमिया इज ऑल्सो अराउंड 8-9 लाख रुपीज़, ठीक है। पहली बात फिक्स्चर कॉलेज, फिक्स्चर गोल, जिनको तो JBMS जाना है, मैंने पिछला भी वीडियो किया था उसके अंदर बताया था आप लोगों को, अगर भैया जमनालाल बजाज जाना है तो 320 नंबर तेरे को चाहिए 400 में से फॉर श्योर। मतलब भाई 80% एक्यूरेसी का गेम है, 80% पेपर ठीक होना चाहिए तेरा, एक्यूरेसी नहीं ठीक होना चाहिए, माइनस माइनस करने के बाद तेरा JBMS पक्का है। नंबर 1 जिनको JB जाना है। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की, ये आप लोगों को पता होगा, क्वांट्स प्लस DI मिला के 25 क्वेश्चन आते हैं। भाई DI पढ़ना बंद कर दो, 2 सवाल आए थे पिछली बार DI के, मैक्सिमम 4 आएंगे, एक सेट आएगा, बहुत ईजिली डूएबल है। DI सीमेट के अंदर नहीं आ रहा है, पिछले 5 साल के पेपर देख लो। टिप नंबर 1। दूसरा क्वांट्स और दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, 25 सवाल आते हैं। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, वर्बलबिलिटी के 25 सवाल आते हैं, GK 25 सवाल आते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब तुम सीमेट के एग्जाम की तैयारी करते हो, पुराना पेपर देखते हो, तो अपने आप को लगता है क्या ये क्वेश्चन होते हैं सीमेट के, ये इतना ईजी आता है, ये तो डायरेक्ट आ गया। भाई वो तो सब सही है, पर क्या तेरी एक्यूरेसी, जब भी तू 5 सवाल करता है उसमें से 4 ठीक होते हैं क्या यार? हाँ, अपने आप को पूछ, अगर होते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। नीचे कमेंट करके बताना तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी चेक कैसे करनी है, पहली बात तो 3/5, मतलब 5 सवाल करे तुम्हारे 3 सवाल ठीक होते हैं। फिर 1/5, मतलब 5 सवाल करे किसी भी टॉपिक के तुम्हारा 1 सवाल ठीक होता है। भाई हर सेक्शन तुम्हारा शुड बी ईदर अ 5/5 एट सीमैट लेवल और अ 4/5। 4/5 मतलब जमनाल बजाज पक्का है, जिन लोगों को एम करना है 320 नंबर फॉर गेटिंग इनटू द टॉप बिजनेस स्कूल। नीचे वाले कॉलेजेस 280 पे आपको 280 प्लस पे मिलने शुरू हो जाएंगे, बट एम करो 280 के ऊपर ही स्कोर आए, ठीक है। फोकस ऑन 80% गेटिंग मार्क्स फॉर JBMS, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिए, अब जब आप
प्रैक्टिस कर रहे हो नेगेटिव मार्किंग के लिए, तो अपने आप को ना तीन चार पैटर्न्स में देख लो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, नेगेटिव मार्किंग विल एक्चुअली ड्रेन यू अप, नेगेटिव मार्किंग विल किल यू इन सीमैट। आप खुद देख लेना सीमैट में। एक तो बात समझ लीजिए क्या है, जब भी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 होती है। अब ये चीज़ बच्चों को समझ नहीं आती है, चार नंबर मिलते हैं पूरे करने के, और अगर चार नंबर मिलते हैं करेक्ट करने के, और अगर वो क्वेश्चन गलत किया तो वो चार नंबर तो गए और -1 और गया, तो टोटल तुम्हारा -5 हो जाएगा हर क्वेश्चन गलत करने पे। हर एक सेक्शन के अंदर एक एक क्वेश्चन तुमने सिली मिस्टेक करके भी अगर गलत कर दिया तो बेटा तेरा 20 नंबर चारों सेक्शन में, एक एक सेक्शन में तेरा 20 नंबर उड़ जाएंगे। भाई ध्यान से, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का -5 मिलने वाला है, उसका ध्यान रखना। उसको कैसे बीट करना मैं तेरे को बताता हूँ, पर बिफोर दैट बेटा पहले ये बात सुन लो कि 1 month प्रिपरेशन प्लान के पहले नेगेटिविटी विल किल मी, एंड मे तो मेरे को नेगेटिव पे जाना ही नहीं है। एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, कोशिश करनी है 90% 100% एक्यूरेसी पे खेलना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से पेपर आता है। मैं सीमेट के 5 साल के पेपर एनालाइज कर रहा था, यहाँ पे मेरी पीपीटी भी शायद खुली होगी। हाँ ये सीमेट, ये कैट वाली खुली हुई है, हाँ, बट सीमेट की पीपीटी मैं अभी देख रहा था। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं यार सीमेट वाले, उसके अंदर काफ़ी बेसिक आते हैं, पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। 15 सवाल आ रहे हैं आरसी के। अब 15 सवाल आरसी के, भाई 60 नंबर तो ये हो गए तेरे पास, ठीक है, इसमें गॉड हो सकता है। नॉर्मन लुइस वर्ड पर मेडी भर भर के आ रही है। हमारा जो कैट किंग कोर्स है उसके अंदर मैं नॉर्मन लुइस पूरी रट्टा मरवा के भेजता हूँ, पूरी की पूरी, राइट। इनफैक्ट देयर इज अ सेशन कमिंग अप जिसके अंदर मैं 3 घंटे बैठ के पूरी की पूरी नॉर्मल लुइस वर्ड पर मेडी खत्म करवाने वाला हूँ। क्वांट्स, क्वांट्स में 3 मेजर टॉपिक है, अरिथमेटिक है, एलजेब्रा है और ज्योमेट्री है। अगर मैं बात करूँ एलजेब्रा की, समवेयर अराउंड 6 to 7 questions, एलजेब्रा 6 to 7 questions, ज्योमेट्री 6 to 7 questions, नॉर्मल लुइस और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिला के 20 questions। भाई मैं बोल रहा हूँ ना कर लेना, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट मार मार के ना इस वीडियो के दोबारा दिखाऊंगा, इस वीडियो को दोबारा प्ले करके दिखाऊंगा। देखो मैंने बोला था नॉर्मल लुइस के वोकैबुलरी के वर्ड जा रहे हैं, हर साल आते तो इस बार भी आएंगे ना यार। हाँ काफ़ी लाइक वर्बोज, वॉल्यूबल, ये सब नॉर्मल ज़्यादा बोलने वाले लोग, ये सब नॉर्मल वर्ड पारमेडिटी के वर्ड्स हैं। अरिथमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये टोटल मिला के 25 में से 20 सवाल ही हैं। अब तुम बैठ के मॉडर्न मैथ्स पढ़ते रहोगे, नंबर सिस्टम पढ़ते रहोगे, पढ़ लेना मेरी जान, पर पहले 20 क्वेश्चन तो बना ले। हाँ इस पे गॉड हो जा, गॉड मतलब तेरे सामने 5 क्वेश्चन आए, 5 के 5 ठीक, टाइम फ्यू डिस्टेंस का, सीमेट लेवल का सवाल सर मैं बना लूंगा। पर बाकी टॉपिक्स मॉडर्न मैथ्स में भी 2 सवाल आते हैं, 1 आधा सवाल नंबर सिस्टम का भी आता है, वो भी करना जरूरी है, क्योंकि ज्योमेट्री के अगर 5 सवाल आ रहे हैं 4 ईजी होंगी 1 ट्रिकी होगा फॉर श्योर। एलजेब्रा के अगर 6 सवाल आते, पिछली बार 6 सवाल थे तो भाई 5 सवाल होंगे 1 ट्रिकी होगा। अरिथमेटिक की अगर 7-8 आ रहे तो एक या दो ट्रिकी हो सकते हैं। तो कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, पर ये मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम क्या करो अगले 15 दिन घिस के ना, 10 दिन ले लो यार, 10 दिन घिस के 3-3 दिन लगा के वर्बल एबिलिटी की आरसी गॉड बन जाओ, नॉर्मल लुइस गॉड बन जाओ, अरिथमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री 3 दिन अरिथमेटिक, 3 दिन एलजेब्रा, 3 दिन ज्योमेट्री करके इसमें भी तुम गॉड बन सकते हो। समझ आ मेरी बात? तो इतना करना है आपको। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग क्या रहा है, अरेंजमेंट भर भर के आ रही है, पजल्स भर भर के आ रहा है, ब्लड रिलेशन भर भर के आ रहा है, ये मैंने तुम्हें अगेन 80% ऑफ द पेपर बता दिया। अगर तुम इसमें 100% एक्यूरेसी रख सकते हो, मुश्किल काम है, पर अगर आप रख सकते हो मज़ा आ जाएगा, अरेंजमेंट, पजल्स और ब्लड रिलेशन। इसके बाद रह जाती है तुम्हारी जीके। जीके हमेशा सीमेट के अंदर करंट अफेयर आता है, इवेंट्स भर भर के आते हैं, डेवस समिट कब हुआ था, करंट अफेयर्स। अगर तुम कैट किंग के स्टूडेंट हो, तुम्हें एक डैशबोर्ड का एक्सेस मिलेगा, उसके अंदर जीके जितनी पड़ी हुई है रिकॉर्ड करके पड़ी हुई है, हेडफोन लगाना, सुनना शुरू करना, लाइफ इज गॉन्ट बी गुड। भाई अगर तुम्हें इतना समझ आ गया, नाउ आई एम गॉन्ट टॉक अबाउट द एंटायर डे टू डे स्केड्यूल। बच्चे बोलते सर डे टू डे स्केड्यूल बता दो मुझे, बस लगा लो। दो तरह के बच्चे होंगे, एक तो भाई अभी तक तुम्हारे पास कोई होप नहीं है, अगर तो कोई अभी तक कॉलेज क्रैक नहीं हुआ है, देन यू कैन इन्वेस्ट ऑन दिस कोर्स। मैं इस कोर्स के बारे में बताता हूँ पहले तो, क्या है क्या ये कोर्स। दिस इज़ गॉन्ट बी अवेलेबल फॉर समवेयर अराउंड 3,000 रुपये प्लस GST मार के 3,300 कुछ रुपये होंगे, ठीक है। इसके अंदर मिलेगा क्या, पहले बात तो शेड्यूल समझ लो, घर पे पढ़ना है घर पे पढ़ो, मेरे साथ पढ़ना है मेरे पास पढ़ो, हम क्या पढ़ाने वाले हैं बच्चों के बोले वो सुन लो। फॉर एग्जांपल ये 8 मार्च को शुरू हो रहा है, तुम 8 मार्च को ज्वाइन करना चाहते हो 8 से शुरू करो, 9 से शुरू, जब भी शुरू करना चाहते हो पर शुरू कर सकते हो। दिन में 2 घंटे कमिटमेंट चाहिए, 8 से लेके 9 बजे और उसके बाद 10 से 11, बल्कि 8 से लेके 11 बजे तक ना तू पूरा अपना मुझे दे दे, कुछ मत कर, डिनर विनर जो करना है पहले करके बैठ या पढ़ते पढ़ते बैठ, पर ये टाइम 8 से लेके 11 बजे तक का मेरा है। 3 hours पर डे का प्रिपरेशन प्लान बना ले, ठीक है। जब भी अभी पढ़ाई करनी सीमेंट की, क्योंकि एग्जाम 3 घंटे का, 3-3 घंटे इकट्ठे बैठा कर करना क्या है, पहली बात मैं तुम्हें अनाउंस करूंगा बेटा इस हफ्ते हमने को एलजेब्रा खत्म करना है। क्यों एलजेब्रा खत्म करना है, बिकॉज 6 क्वेश्चन एलजेब्रा के आने हैं, इससे ज़्यादा अपने पास टाइम नहीं है। हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, पहले एक बार बेसिक करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट वर्कशॉप, 8 से 9 बजे एक बार बेसिक पढ़ ले 1 घंटा, उसके बाद दोबारा पढ़ के खुद बैठ के जितना पढ़ा है वो पढ़, जो भी तेरे पास बुक्स हैं मैं और सीमेट के लिए स्पेसिफिक बुक्स भी दूंगा, वहाँ से पढ़ ले 1 घंटा, और 10 से 11 शॉर्टकट पढ़ ले, चैप्टर खत्म हो गया तेरा। इक्वेशंस में जो 1 सवाल आने वाला है वो तेरे को 3 घंटे का टाइम था, 1 hour ऑफ सेल्फ स्टडी, 2 hours ऑफ अस टीचिंग यू विद टॉपर्स, खत्म। मैं सीमेट का टॉपर असाइन करूंगा भाई, सीमेट ऑल इंडिया रैंक 8 विल बी टीचिंग यू, ही इज ऑल्सो सी टी 99.96।
वो खत्म हो गया, फिर 9 मार्च को इनइक्वालिटीज़ करेंगे, इनइक्वालिटीज़ खत्म करके शॉर्टकट ऑफ इनइक्वालिटी, फंक्शन एंड ग्राफ करके शॉर्टकट ऑफ फंक्शन ग्राफ, ऐसे करके चलता जाना। एक बार अलजेब्रा खत्म हो गया, अगले हफ्ते बोलूँगा चल बेटा लग जा, अभी अपने को अर्थमेटिक पे लगना है, एक हफ्ता मिलेगा अर्थमेटिक खत्म करना है, ज्योमेट्री पे लगना है, एक हफ्ता लगेगा ज्योमेट्री, 7 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 21 सवाल यही आने वाले हैं क्वांट के अंदर। सर लॉजिकल रीजनिंग का क्या होगा? लॉजिकल रीजनिंग विल कीप ऑन डूइंग ऑन एवरी थर्सडे एवरी फ्राइडे एलआर करेंगे, उसके भी तुम्हें 4-4 घंटे मिलेंगे। भाई एक महीने का अभी टाइम पड़ा हुआ, अभी एग्जैक्टली डेट नहीं आई, एक महीने का तेरे पास टाइम है यार, 30 डेज में 60 आवर्स अगर मैं तेरे को सीमेट का टॉपर असाइन कर रहा हूँ, रिजल्ट आना ही आना है। सर वर्बल नहीं दिख रहा, वर्बल तो भाई मैं पढ़ाऊंगा तेरे को, ठीक है। एवरी वेंसडे 8 सुपर पावर वर्कशॉप मिलेंगी तुम्हें सीमेट वर्बल एबिलिटी के लिए, इसके साथ में तुम्हें 20 आवर्स का मैं और रिकॉर्डेड कंटेंट दूंगा जो तुम्हें खुद की पेस से समझना है, ठीक है। वर्बल एबिलिटी के वोकैबुलरी कर लिया, फिर हम सीमेट के सवाल कराऊंगा मैं, लाइक फॉर एग्जांपल परसों वर्कशॉप था तो सीमेट के मैंने पूरी की पूरी वर्बल एबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे के सारे मैंने इनको सॉल्व करवा दिए, उसमें इतना मजा आता, इतने अमेजिंग क्वेश्चंस थे। तो भाई अगर तुम पढ़ना चाहते हो, मेहनत कर सकते हो, तो यार लाइफ इज रियली गुड। बट जो बंदा मेहनत नहीं करेगा, सर मुझे क्रैक तो करना है, होगा कि नहीं होगा, उसमें यार फिर मजा नहीं आएगा। हाँ जैसे फॉर एग्जांपल देखो सीमेट सीईटी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक मास्टर क्लास था, तो आरसी खट खट सॉल्व कराए, खट सीईटी के क्वेश्चन कराए, सीमेट के क्वेश्चन कराए, ऐसे करके, ठीक है। तो यार मेहनत करोगे देन सक्सेस अवेट्स, मैं हमेशा बोलता हूँ सक्सेस अवेट्स ओनली फॉर दोज हु वांट टू बी वर्किंग इन हार्ड। बॉयज एंड गर्ल्स लास्ट एग्जाम है यार, ईजी एग्जाम है यार, हाँ लास्ट एग्जाम है, टाइम ही टाइम है, कोई जल्दी की बात है ही नहीं। जितना मैंने बता दिया उतना फॉलो करो, एंड इफ यू गाइज आर कीन यू गाइज कैन गेट टू द कोर्स, आई विल बी पर्सनली टीचिंग यू, गाइडिंग यू हर मंडे आके। ये कोर्स कब तक चलेगा? जब तक सीमेट चलेगा। सीमेट अगर मार्च में होता है मार्च में, अप्रैल में होता है अप्रैल में, मई में होता है मई तक, एंड द प्राइस इज 2999। दिस इज आर अपॉर्चुनिटी टू हेल्प यू गाइज सो दैट यार लास्ट एग्जाम है, अगर बच्चे क्लियर कर पाते हैं आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट वन। वन मोर क्विक एडवाइस, यू गाइज कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर सीईटी। अगर सीमेट सीईटी बॉम्बे वाले बच्चे जैसे महाराष्ट्र वाले बच्चे ज़्यादा देते हैं, बाकी लोग नहीं देते हैं, पर सीईटी देना ज़रूरी है अगर जमनाल बजाज के लिए, तुम्हारा सीमेट वाले स्कोर के साथ सीईटी भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सीईटी के थ्रू काफ़ी सारे कॉलेजेस भी हैं ऑल इंडिया लेवल पे, JBIMS में सीटें थोड़ी कम है, बट इट्स अ गुड एग्जाम टू हैव अ बैकअप एज वेल। पढ़ ही रहे हैं तो यार दोनों भी पढ़ सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। बट यार वन हम्बल रिक्वेस्ट, देयर आर 220 odd people who've cracked नारसी मुंजी फ्रॉम कैट किंग। उनका आज हमारे साथ कॉल हुआ था, गूगल के एम्प्लॉयज़ आए जो उनके सीनियर्स, उनसे मिलवाया। देयर अबाउट 1000+ people who गो टू IIMs फॉर श्योर, उनके दो दो तीन दिन कॉल है, टोटल 3500-4000 IIMs की कॉल है। देयर अबाउट 135 people who've got SPGN बॉम्बे कॉल्स, ठीक है, और MDA के भी अराउंड 80-85 लोग हैं जिनका MDA कॉल है, FMS का रिजल्ट आने वाला, एक्सेल के भी अराउंड 150 odd people है। ये लोगों का करियर बन गया यार, तुम्हारी एज ग्रुप के हैं, इन लोगों का करियर बन गया। तेरा अगर करियर नहीं बनाना यार, थोड़ा सुमड़ी में बैठ के अपने आप को लॉक कर ले, पेन और पेंसिल ले, तब तक पढ़ाई कर जब तक पेन की इंक ख़त्म ना हो जाए। मैं ऐसे पढ़ाई करता था, हम लोग चेक करते थे कि पेन की इंक कितनी, इसमें पता नहीं दिखेगी नहीं दिखेगी, इसमें दिखती नहीं है, थोड़ा हाई फाई पेन है, जो हमारे टाइम पर जो गरीब पेन होता था वो यूज़ करते थे, तब तक पढ़ाई करनी है जब तक पेन की इंक ख़त्म ना हो जाए, समझ रहा है। थोड़ा इतना पढ़ा भी, रिजल्ट लिख गया, पूरा साल लगाया अपन ने, है ना, पूरा साल लगाया। अपने मॉम डैड को भी किसी ने पूछा तो भाई तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने बताया हमारा बच्चा कैट की तैयारी कर रहा है, सीमेट की तैयारी कर रहा है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और अंदर ही अंदर तुम पढ़ नहीं रहे हो तो गलत बात है, ठीक है। शेड्यूल मैंने दे दिया, इफ यू गाइस आर कीन ऑन जॉइनिंग अस मोस्ट वेलकम, नहीं तो जैसे भी हो जहाँ पे भी हो पढ़ाई करो, पर रिजल्ट ले आना। कल को ऐसे यूट्यूब लाइव करूँ तो तुम्हारा कमेंट आना चाहिए, सर आपका वीडियो सुना था, उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू कर दी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बॉयज एंड गर्ल्स, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ भी, and I'll be there to help you out. God bless you guys. Thank you so much for joining in. Bye-bye. Take care. Thank you.